हाथरस की घटना को लेकर पुतला फूकने जा रहे कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं को फवारा तिराहे से पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस व कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई झड़प। बताया चले कि आज बस्ती जिले में कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं द्वारा फवारा तिराहे पर विरोध प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। इस दौरान फवारा तिराहे पर पुलिस व कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला नहीं फूंक पाए, पुलिस ने कार्यकर्ताओं के हाथ से पुतला छीन लिया। इस दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। उसके बाद कांग्रेस के आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जा रही है किस मामले को लेकर आज आप लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है? हाथरस के मामले को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हर जगह यूथ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, आवाज़ दबाई जा रही है, युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है। ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, प्रशासन फेल है और इसका बदला ये हम जैसे नेताओं से, युवा नेताओं, छात्र नेताओं से ले रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी लखनऊ में कर ली गई है, उनको बरबत्ता से वहाँ पीटा भी गया। देखा गया तो लेकर क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि योगी जी अब तो इस्तीफा दे दें। इतनी निर्लज्ज सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं थी। योगी बाबा जो बड़ा हिंदुत्व का ढोंग रचते हैं, जिस तरह से अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया, रात के अंधेरे में पुलिस द्वारा, वो पूर्णतः निंदनीय है। हमारी मांग यही है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना। पुतला दहन करने आए थे, आपकी नोकझोंक भी हुई है पुलिस वालों से?